तो मैं समीर और मेरे साथ है मेरे प्यारे दोस्त आप। मैं आपको बताऊंगा कि पहले मैं फुलेंडा हो गया था, खून बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही थी। फिट और अनफिट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ज़्यादा अगर हमने मतलब एक रनिंग कर ली तो ऊपर नीचे सांस होती, अब ऐसा नहीं। अब जितने भी अगर हम रनिंग करेंगे, भागेंगे, अपने आप को एक फिट महसूस करते, उसके लिए क्या है, उसके लिए कि हम एक्सरसाइज, आपको फिट रहना तो एक्सरसाइज ज़रूरी। चाहे मिनिमम डे के आप 30 सेकंड करें बहुत जरूरी। तो वाइसेप में आप कर लें, आप गगन गुटके सिगरेट वगैरह ना लें। अपनी सेहत के हिसाब से आप 50,000 रुपये खर्च करके सामान ऐसा सेट घर पर लगा लें। जिम जाने का शौक लीजिए, एक आईना लगाएं और एक आध अपना जिम पार्टनर को अपना फ्रेंड देख लें और फिर वाइसेप घर पर करें, जिससे फिट रहेंगे। फिट रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा। और जब बंदा फिट होता है ना, तो जब कपड़े उस पर अच्छे लगते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक जिम में रुचि दिखाता है। उसका सारा दिमाग जो जिम में भी रहता है कि अपने शरीर के लिए एक वक्त जो है जिम का निकल, हमें अच्छा दिखना है। और अच्छा दिखना है तो उसके लिए मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। और जब मेहनत ज़रूरी है तो क्यों ना हम अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में 8 घंटे की ड्यूटी में 10 से 12 हज़ार रुपये की सैलरी में अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकाल लें। शरीर बेहतर होगा तो लोग आपको सलूट मारेंगे, शरीर अगर अच्छा होगा तो लोग आपसे कुछ गलत बोलने से पहले सोचेंगे। शरीर आपका अच्छा होगा ना, आपको मार्केट में, रिलेशन में, दोस्तों में रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। शरीर अगर अच्छा है आपका, आप अपनी आज़ादी के हिसाब से, आप अपने शरीर के हिसाब से, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से आप तो अपने ऊपर खर्च कर सकते। लोगों के पास में पैसा बहुत है, लोगों के पास में मकान अच्छे हैं, गाड़ियाँ अच्छी हैं, मगर शरीर अच्छा नहीं है। देखो होगा ऊपर वाले ने आपको शरीर अच्छा किया तो उस पर मेहनत करो, बीड़ी गगन गुटके इन चीज़ों से दूर रहो। जितना इन पर खर्च करते हो उतने का आपको कुछ मतलब कुछ ड्राई फ्रूट लेके खा लो तो अच्छा। तो ये थे हम कुछ, आपको अगर हटके और चाहिए तो हमें कमेंट करें, हमें बताएं, मगर प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं समय के हिसाब से तब्दीली अपने चैनल के अंदर करता रहता हूँ और करता रहूँगा, आपके हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। हिम्मत नहीं आता, आपका दोस्त कुछ ना कुछ करता रहता है, क्यों ज़िंदगी सीखने का नाम है, जितना कुछ सीखा जा सके। जैन बंदर मातरम।